नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य मुख्य खबरों की तरफ। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर रविवार देर शाम थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने क्षेत्र में नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों की चेकिंग की गई, संदिग्ध लोगों की जांच की गई। पुलिस ने रेस्टोरेंट, बस अड्डा व सार्वजनिक स्थानों को भी चेक किया। इस अभियान के दौरान चेकिंग में 36 बाइक और कार के ई चालान किए गए। वाहन के दस्तावेज न होने पर उनका ई चालान काटे गए। थानाध्यक्ष रमेश कुमार, उपनिरीक्षक राजेंद्र कुमार व सुल्तान सिंह के संयुक्त नेतृत्व में क्षेत्र के केसरी चौक, मदियापार मोड़, पटेल चौक आदि स्थानों पर देर शाम सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहन स्वामियों में अफरा तफरी मची रही। प्रत्येक गाड़ियों की डिग्गी खोलकर तलाशी ली गई। गाड़ी के कागजात, हेलमेट आदि को जांचा गया। इस दौरान चारपहिया वाहनों को भी तलाशी ली गई, जिसमें सीट बेल्ट तथा डिग्गी खोलकर तलाशी ली गई। वाहन चेकिंग के दौरान 36 वाहनों का ई चालान भी काटा गया। क्षेत्र में बढ़ रहे आपराधिक घटनाएं तथा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों की पहचान की जाए। साथ ही साथ क्षेत्र में हो रही लूटपाट की घटनाओं को रोका जाए। थानाध्यक्ष अलतरौलिया रमेश कुमार के नेतृत्व में लगातार क्षेत्र में दोपहिया वाहन तथा चारपहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही संदिग्ध पाए गए लोगों का ई चालान भी काटा जा रहा है। इस मौके पर थाने के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।